नमस्कार, डेली न्यूज 360.com की स्पेशल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बीते सप्ताह क्या कुछ बीता नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, जानिए सारा हाल हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सिक्किम के पहले पाक्योंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट राजधानी गैंगटॉक से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और केंद्रीय उद्यान मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का मॉडल भी देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से सिक्किम की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। उन्होंने लिखा है, शांत और शानदार। ये तस्वीरें सिक्किम के रास्ते में क्लिक की गई। उन्होंने हैशटैग के साथ लिखा, अतुलनीय भारत। इस एयरपोर्ट की कई खासियत है। ये सिक्किम का पहला और देश का सवा एयरपोर्ट है। पाक्योंग एयरपोर्ट समुद्र तल से 4,500 फीट ऊंचा है। 2008 में इसे मंजूरी मिली थी और 2009 में आधारशिला रखी गई थी। असम के डिब्रूगढ़ के पास देश का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बोगीबिल पुल बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें, इस पुल को बनने में 17 साल का वक्त लगा है। 4.94 किलोमीटर, ऊंचाई 32 मीटर है। पुल का सफल परीक्षण गुरुवार को ट्रेन चलाकर किया गया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी से 32 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पुल स्वीडन और डेनमार्क की तकनीक से बनाया गया। इस पुल की खास बात यह है कि इस पर न केवल ट्रेन चलेगी बल्कि इस पर गाड़ियां और ट्रक भी दौड़ सकेंगे। पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ेगा। यह भारत का सबसे लंबा तथा एशिया का दूसरा सबसे लंबा पुल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार से 1500 करोड़ रुपए की मांग की है। बता दें कि यह रकम त्रिपुरा में सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने में इस्तेमाल की जाएगी। सचिवालय में स्पेशल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी संजय मिश्रा के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुख्यमंत्री देव राजधानी नई दिल्ली आए थे। यह वह अपने राज्य के 2 लाख कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र से विशेष मदद की मांग की। देव के मुताबिक जेटली ने मुलाकात में उनकी बात को गंभीरता से लिया। असम की फिल्म विलेज रॉक स्टार को ऑस्कर 2019 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। फिल्म में गरीबी में पली बड़ी लड़की धनु की कहानी है, जो परिस्थितियों में भी रॉक बैंड बनाने और किसी दिन अपना गिटार हासिल करने के अपने सपने के पीछे नहीं हटती। बता दें, सिनेमा में विशेष योगदान के लिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में असमिया फिल्म विलेज रॉकस्टार को बेस्ट फीचर फिल्म के लिए चुना जा चुका है। इस फिल्म का निर्देशन रीमा दास ने किया। रीमा ने विलेज रॉकस्टार के लिए सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार भी जीता था। इस फिल्म ने भनीता दास के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का सम्मान भी हासिल किया था। असम के नगांव जिले में बिजली के हाई वोल्टेज तार के एक तालाब में गिर जाने के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सीएम सर्वानंद सोनोवाल ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। सोनोवाल ने एक उपमंडल अधिकारी समेत एपीडीसीएल के 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने सुबह करीब 5 बजे देखा कि तालाब के ऊपर बिजली का हाई वोल्टेज तार ढीला होकर लटका हुआ है और उन्होंने एपीडीसीएल को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने दावा किया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि तार में करंट नहीं है और इसलिए कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए तालाब में उतरे, लेकिन तार में करंट छोड़ दिया गया जिससे लोगों की मौत हो गई। इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी में पुलिस ने रेड के दौरान 90 छात्रों को हिरासत में लिया है। इसी दौरान पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस से 5 शिक्षकों को भी उठा लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई शुक्रवार आधी रात को यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस का कमांडो दस्ता बड़ी संख्या में छात्रों शिक्षकों को अपने साथ ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंपस में छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष भी देखने को मिला। इस दौरान पुलिस ने छात्रों पर कार्रवाई करते हुए आंसू गैस के गोले भी दागे। हिरासत में लिए गए छात्रों और शिक्षकों के बारे में पुलिस की तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया है, न ही ये बताया गया है कि उनको कहां रखा गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू को 25 सितंबर को प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
केंद्रीय खेल मंत्रालय ने पुरस्कार विजेताओं की सूची आधिकारिक तौर पर जारी कर दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। चानू को पिछले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने के कारण इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सोने का तमगा जीता था, लेकिन चोट के कारण एशियाई खेलों में भाग नहीं ले पाए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा 7.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्राप्त करते हैं। भाजपा की त्रिपुरा इकाई ने दावा किया है कि सीएम बिप्लव कुमार देब की जान को खतरा है। आपको बता दें कि म्यांमार के ड्रग तस्करों ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी है। तरण चक्रवर्ती ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को कुछ ऐसी रिपोर्ट मिली है जिसके अनुसार हाल ही में ड्रग तस्करों ने एक बैठक में बिप्लव देब को मारने का षड्यंत्र रचा। गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने भी हमसे इस बारे में बात की है। रतन चक्रवर्ती ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये दावे किए। उनका कहना है कि त्रिपुरा में भाजपा और IPFT की गठबंधन वाली सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ड्रग तस्करी का धंधा प्रभावित हुआ और ड्रग तस्कर डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC के मसौदे से बाहर रह गए 40 लाख लोगों को अपनी आपत्तियां और दावे दर्ज कराने के लिए बुधवार को आदेश दिया है। नागरिक रजिस्टर के दूसरे मसौदे से बाहर होने वाले नागरिक 25 सितंबर से 60 दिनों तक अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को राहत देने के लिए वह 15 दस्तावेजों में से 10 दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। इस मामले में NRC कोऑर्डिनेटर अन्य 5 पर अपनी राय बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अगर दस्तावेजों में कमी पाई जाती है तो जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को दूसरा मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर निर्धारित की है। डॉक्टर लपांग कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग के तेवर और कड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अब वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। डॉक्टर लपांग दिल्ली से जब लौटे तो बनिहाल नोंगपोह आदि जगहों पर उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय व राज्य नेतृत्व से अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि वे 45 सालों से भी अधिक समय तक पार्टी से जुड़े रहे। वर्तमान में राहुल गांधी ने जो नीति अपना रखी उसे ध्यान में रखते हुए पार्टी से नाता तोड़ना सही समझते हैं। युवाओं को आगे लाने के लिए बुजुर्ग नेताओं को अहमियत नहीं दी जा रही है, लिहाजा उन्हें निकल जाना ही ठीक लगा। उन्होंने फिलहाल किसी भी पार्टी में शामिल होने के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। ये था बीते एक सप्ताह का हाल। अगले सोमवार ठीक शाम 7 बजे आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल, Facebook और वेबसाइट से जुड़कर रहें अपडेट। धन्यवाद।